तो अभी मैं आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा। हमारे दरमियान हमारी बहन नादिया हमीद साहबा बैठी है, वो एडवोकेट है हाई कोर्ट की। आपकी जोरदार तालियों में वो आए और अपने ख्याल। गुड इवनिंग। आवाज नहीं आई सारे थके। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सैमुअल कैरा साहब का और फादर जेम्स सैमुअल का कि इन्होंने एक बहुत अच्छी नशिस्त को तरतीब दिया और ख़ास तौर पे एक ऐसी जजमेंट जो आपके आज से 9 साल पहले आई और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1973 का, उसके अंदर जो मौजूद इंसानी हकूक है ख़ास तौर पर मेजॉरिटी के हकूक है उसको एलैबोरेट किया गया और इनमें जो ख़ास तौर पर बात की गई है वो आर्टिकल 20 के 21, 22, 28 और 36 जो कि प्रॉपर तरीके से मिनॉरिटी से रिलेटेड है कि मिनॉरिटी की किस तरह उनको अपना रिलीजन प्रोफेस करने की यानी अपने मजहब को किस तरह उसकी बुनियादी जो रसूमात है वो अदा करने की आज़ादी होगी और साथ में उनके इंस्टीट्यूट जो है रिलीजियस है उनको मेंटेन करने की आज़ादी होगी, उनसे गैर जरूरी टैक्सेशन नहीं ली जाएगी और साथ में इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको मेंटेन करने के अंदर और इसमें सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा कि कोई भी इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती इख्तिसार ना क्या करें या कब्जा ना करें। और आगे आ जाती है कि हमारी जो कल्चर है जो स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है जो कि आर्टिकल 28 के अंदर है उसको प्रिजर्व किया जाएगा और आगे जो सेक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी 36 तो इसको एलैबोरेट करने के लिए ये जजमेंट जो थी वो आई सामने और अलमिया ये है कि हम 1973 के आयन के अंदर ये सारा कुछ लिख रहे हैं लेकिन अमली शक्ल में 2014 में हमें उसके लिए दोबारा से जंग करना पड़ी कि आया हमें ये वाले जो राइट्स हैं कि हम अपने मजहब जो है हम आज़ादी से प्रोफेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बात हो रही है उस जजमेंट के अंदर इस्माइलियों की कलाशकलों की और हिंदू जो है टेंपल्स हैं फिर सिखों के गुरुद्वारे हैं और साथ में समाधि है और फिर हमारे जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल उनको बर्बाद किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से उनका इंतसार हो रहा है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी लम्हा फिक्रिया है। हम यहाँ पे बैठे कॉन्फ्रेंसिस के अंदर सारे बहुत खुश रूबी से बात करते हैं और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी मौलाना आशिक हुसैन साहब को और मुकदूम आसिम साहब को कि इन जैसे जो बाशूर जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम हैं इस तरह की बैठकें वो खुद भी ऑर्गेनाइज करें और जो हमारे बेसिक मसाइल हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के बदनुमा चेहरा जो सबके सामने लेके आते हैं। तो बात हम कर रहे थे एक हिंदू इसमें एक कंप्लेन आई थी कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मजहब का तब्दील किया जा रहा है तो इसमें ये मसला सिर्फ हिंदुओं का नहीं है हमारा भी बहुत बड़ा मसला है। हम डेली बेसिस पे इस पर बात करें और इस बैठे से पहले हम बात ऊपर बैठे में बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ बस यही कर रही थी कि जब भी आपके पास क्योंकि हमारे पास जब माँ बाप शादी करवाते एज का कभी भी इशू नहीं आता ना मजहब का आता है लेकिन जो वो भाग्य शादियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं तो इनको रिक्वेस्ट है कि नादरा की रजिस्ट्रेशन जो है नकारनामे की तब तक नहीं होगी या लोकल जो अथॉरिटी है तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी ना होंगे। तो आप इस प्रोग्राम के तौर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने आपके ना वो है नकाह हुआ है उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें और इस चीज़ से अवेयर करें क्योंकि ये मसला हम लोगों ने मिल के ही इसको रिड्रेस करना करना है। कोर्ट से हम सिर्फ जजमेंट ले सकते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम सब ने मिलकर करनी है। अगर अदालत से ही सारी इम्प्लीमेंटेशन होनी है तो अदालत का दायरा कार के अंदर सारे ही आते हैं उसमें मौलवी हजरात भी आते हैं और हमारे कादी हजरात भी आते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर हमने इस चीज़ की रोकथाम करनी है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जहाँ तक आगे है मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगी कि जहाँ पर हम बात करते हैं मजहब तब्दीली की तो वहाँ पर आप कोशिश की जाए और इस फोरम के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास की जाए कि इस्लाम कबूल करने की दुनिया के अंदर हर एक बंदा जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए काबिलियत जो है 18 साल की मानी जाती है तो काइंडली आप 18 साल की उम्र तक इसको महदूद कर दें
ताकि हम भी इससे इतराज नहीं करेंगे कि ना बालिगर। और माइनर एज के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस वो मैंने पहले ही आपसे दरख्वास्त करी है, इस पर काम करिए। और जो इस जजमेंट के अंदर एक बहुत खूबसूरत एक रेफरेंस दिया गया वॉल्टर की एक किताब का, जिसमें ट्रीटीज ऑफ टॉलरेंस का, कि हमारे यहाँ अदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, तो कैथरीन कॉन्ट्रैक्ट को हिसाब के अंदर शामिल करवाया जाए, जो कि इस जजमेंट की रूल में भी शामिल किया गया है कि हम टॉलरेंस को इंडिविजुअल सतह पर डिपार्टमेंट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्लोक देंगे, ताकि जो हम लोगों के अंदर को एग्जिस्टेंस और इंटरफेथ हार्मनी की जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सके। और अदल इंसाफ तभी होगा जब हम एक अपने साथ बैठे हुए शख्स को, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि रंग नस्ल और जात पात से बाला तक होकर इंसान समझेंगे, तो ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरी कौमों के सामने तमस्कर का बायस बनेंगे, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान का, जैसे मुफ्ती साहब अभी इतराज कर रहे थे कि इंडिया में ये हो रहा है, पहले हम अपनी सतह ही दुरुस्त कर लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो मुफ्ती साहब सॉरी उसके लिए, लेकिन मेरे नज़दीक ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले अपने घर से शुरू करेंगे। बाइबल भी यही कहती है कि जब आपने चैरिटी करनी है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब हम अपने घर के अंदर से ही नासूरों को ख़त्म नहीं करेंगे, तो बाहर के बंदे की आग से तिनका निकालने का ज़रूरत नहीं, पहले अपने शतीर निकाल लिया जाए। थैंक यू। अच्छा, अभी हमारे दरमियान काशिफ नेमत साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर वकील है हाई कोर्ट के, और इसके अलावा वो आई एम आर एफ जो है इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट फोरम उसके लीगल हेड हैं। तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्याल का इल्ज़ाम है। काशिफ नेमत साहब, ये बड़े अच्छे मुकर्रर हैं और आप इनकी गुफ्तगू जब सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी काबिल एहतराम जनाब फारूक चंदन साहब, तमाम रिलीजियस लीडर्स और जितने भी हमारे वकला साहबान हैं, सीनियर्स भी उनमें बैठे हुए हैं, और इसके साथ सिविल सोसाइटी से जितने भी अफराद हैं, मेरी तरफ से लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबको गुड इवनिंग। अच्छा, क्योंकि टाइम भी अब 4 मिनट की एक वो नॉर्म सेट हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 बातें कर लेते हैं जो कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। सबसे पहले तो एक खराज तहसीन सारे हॉल को पेश करना चाहिए उन लोगों को, जिनमें सबसे पहले जस्टिस हेल्पलाइन वाले हैं, ठीक है, और वो तमाम हिंदू लीडर्स जिन्होंने वो लेटर्स लिखे, वो बड़ा ज़बरदस्त ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसके पहले पैरे में ये लिखा हुआ है कि उनकी दरख्वास्त पे ये लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दी गई। तो फख्र की बात ये है कि उसमें क्लर्जी की भी चले रिप्रेजेंटेशन हो गई, पादरी शाहिद मिराज साहब भी थे, हमारे क्रिश्चियन लॉयर्स में से फ्रांसिस गैब्रियल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो भी चले गए। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट, स्पेशली हम खास तौर पे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब तसद्दक हुसैन जिलानी साहब, जो दूसरे बेंच में जजेस थे मिस्टर जस्टिस मशहीर आलम और शेख अजमत सईद साहब, उनकी भी साहब पूरी एफर्ट्स थी, तो इन लोगों के लिए एक क्लैपिंग बनती है। अब ये क्यों क्लैपिंग बनती है, देखें दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, राइट्स लेने के लिए या तो स्पेसिफिकली अदालतें होती हैं जो रूटीन में चल रही होती हैं, या उससे भी जो सबसे सुप्रीम फोरम है वो पार्लियामेंट है, जहां पे आपके नुमाइंदे लेजिस्लेशन करके आपके राइट्स को सिक्योर करते हैं। किसी भी मुल्क में जुडिशियल सिस्टम में आज तक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो यही एक जुडिशियल सिस्टम की ग्रेस भी है। नो डाउट के बहुत सारे रिलीजियस चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के रिलीफ देना, ये भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत ज्यादा प्रिविलेज की बात है। तो क्योंकि वो 4 मिनट वाली बात है, अगर वो लंबी बात करेंगे तो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। देखिए, बीइंग क्रिश्चियन, मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं
कि जितने राइट्स माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में है मजहबी हवाले से भी नो डाउट 22 क्लास जो है या दूसरी चीजें अपनी जगह, लेकिन कुछ राइट्स इस तरह के हैं कि देखिए हम एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, आप तरक्की याफ्ता मुस्लिम कंट्रीज से कंपैरिजन करके देख लें, टर्की में इस्लामिक कंट्री है ना, सऊदीया है, या मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, आप क्रूसेड्स नहीं कर सकते, आप टोटल अपने 2-2 लाख के इज्तमा नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के लिए, लाइकवाइज क्रिश्चियंस को नहीं, ये जो दूसरे मजहब है माइनॉरिटीज में उनको भी ये प्रिविलेज आ सकता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि चैलेंजेस इन्हें डिस्कस करें कि जो हमारी प्रिविलेजेस है उन पे भी गौर होना चाहिए। तो रही बात जजमेंट की, तो उसके जो सम्राट है, मैं समझता हूं कि सैमुअल प्यारा साहब ने और हमारे सीनियर लॉयर डॉक्टर इस्लाम साहब स्टेज पे बैठे हैं, बड़े डिटेल में उन्होंने बताए। मजे की बात यह है कि लास्ट वीक में हमारी एक मुलाकात हुई, बड़े ऑनर की बात थी, मिस्टर जस्टिस सद्दर हुसैन जलानी साहब से। तो उन्होंने पूछा जी कि वो जजमेंट का क्या बना, तो सैमुअल प्यारा साहब ने उनको बताया कि उस जजमेंट के तहत ये अचीवमेंट्स कर ली गई है। तो वो कह रहे हैं अच्छा वाकई ये हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट अगर इसको कहा जाता है तो ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। अभी फादर जी से ये बात स्टेज पे यही हो रही थी, वो मुझे पूछ रहे थे कि जी कितने परसेंट इस पे अमल दरामद हो रहा है। तो मैंने कहा जी मेरे हिसाब से तो अगर आप ये कहें ना कि 80+ इस पे अमल दरामद हो रहा है तो ये भी कहना गलत ना हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए एक फैसिलिटी हमें दे दी गई है कि आपका जो भी मसला है आप एक कॉमन पर्सन भी इसमें लेके आ सकता है। इसमें वो चीज नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा वकील या कोई लॉ फर्म या कंसल्टेंसी एंगेज करने की जरूरत है। सिंपल, मैंने कई सीएमएस वहां पर ऐसी देखी है, एक उन्होंने 1 रुपए का कागज लिया है, उस पर अपनी दरखास्त लिखी है और वहां पर डाल दी है और उसपे भी हेयरिंग हुई है और जो भी नेसेसरी एक्शन था वो वहां पे लिया गया है। अवेयरनेस देने की ये बात है, क्योंकि सिविल सोसाइटी यहाँ पे बैठी हुई है, सारे एनजीओ एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं, कि आप एक ये अवेयरनेस दें कि माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से जिसमें सारी माइनॉरिटीज शामिल है, आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है आप डायरेक्ट वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वहां पे एक्शन भी होता है और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। अब जैसे वो फादर जी अभी पूछ रहे थे कि जी कितने परसेंट, तो मैंने कहा जी वैसे तो जितने परसेंट आप उसको यूज कर लेंगे समझ लेंगे उतना ही अमल दरामद हो रहा है। हमने हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी अपनी कौम का बोझ एक एक दो दो बंदों पर डाला हुआ है। हिंदू कम्युनिटी से मोस्टली डॉक्टर रमेश कुमार साहब की सीएमएस होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से सैमुअल प्यारा साहब पे हमने ये जिम्मेदारी डाल दिया कि जो भी सियासत करना आप नहीं करना, ठीक है जी। तो लाइकवाइज अभी वो पीटर जेकब साहब की मैंने देखा है कोई एक दो सीएमएस, चले वो एनकरेजिंग है। बेसिकली बीइंग लॉयर, मैं समझता हूँ कि हमारे सारे क्रिश्चियन मुगला के लिए भी ये एक क्वेश्चन मार्क है कि हम जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं लॉ को बहुत ज्यादा समझते हैं, सबसे पहले तो सीएमएस हमारी तरफ से जानी चाहिए थी। तो इसी तरह चर्च एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमंग द क्रिश्चियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भी जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन इसमें बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से मजहबी लॉज पे भी काम होने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब तक हमारा कंसेंसस नहीं होगा, हर सेक्स दोस्त आगे नहीं आएंगे। अगर आपको ये फैसिलिटी दे दी गई है तो हमें लाजमी इसको इन्वोक करना चाहिए इस जजमेंट के थ्रू। तो मेरी यही गुजारिश है एंड पे कि इसको इतना ज्यादा प्रोपोगेट करें, इतनी ज्यादा इसकी तशहीर करें कि कंसेंसस के साथ हम अपने मामला वहां पे लेके जाएं ताकि उनका सॉलिड हाल निकल सके। इस तरह के फैसिलिटीज जो है ना शायद कभी मिले। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे दरमियान जनाब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट अदनान शमीम भट्टी साहब है, जिनका जिक्र काशम ने साहब कर रहे थे, तो अभी हम आपकी जोरदार तालियों में उनको दावत देंगे ताकि वो आए और अपने चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स सैमुअल प्यारा साहेब
काबिले इज्जत मौलाना साहिबान, हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल काशिफ नेमत साहब, हमारे दरमियान डॉक्टर सलीम मैसी साहब बैठे हैं, हमारे नहायत ही काबिले एहतराम मैडम कैथरीन सपना साहबा बैठे हैं, दीगर हाजरीन महफल सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। आज के इस फोरम को देखकर और इस लैंडमार्क जजमेंट के शेर असल गुफ्तगू को सामने रखते हुए और इसके मुस्तकबिल में होने वाले इम्पैक्ट को सामने रखते हुए मुझे एक शेर याद आ गया जो मैं पूरी महफल की नजर करना चाहता हूं कि अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए जिसका पड़ोसी के आंगन में भी साया जाए। इस जजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इसके सियाको सबाक इसकी बैकग्राउंड को हमारे चेयरमैन साहब सैमुअल प्यारा साहब ने, हमारे काउंसल्स ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी बैकग्राउंड को बयान किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने एट द टाइम ऑफ पासिंग दिस वेरी जजमेंट मेड द डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट एंड द डायरेक्शंस वर कंटेन्स अपॉन द 7 पॉइंट्स। One was to establish a task force for creating, establishing the religious tolerance. अब क्या जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से हमारी? हमारी मजहबी लीडरशिप सारी मौजूद हैं, जिनमें इस्लामिक लीडरशिप भी मौजूद है, क्रिश्चियन लीडरशिप भी मौजूद है, हिंदू लीडरशिप भी मौजूद है, सिख लीडरशिप भी मौजूद है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस टू कॉन्टैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इस पे अमल दरामद करवाने के लिए हमें जरूरत होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करें, बेहतर से बेहतर सजेशंस रिकमेंडेशंस लेके जाएं। और इन केस जिस दरवाजे को खटखटाना चाहिए उस दरवाजे को अगर हम नहीं खटखटाएंगे तो ला महला वी विल नेवर अटेन द रिजल्ट्स ऑफ दिस वेरी जजमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक दूसरे पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए तो वो तो बड़ा ही शानदार है कि अपनी करिकुलम में रिलीजियस हार्मोनी को डिस्कस किया जाए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए बड़ी जरूरत है कि हमारे जो फोरम्स, हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट या हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ क्यों नहीं इस मामले में बातचीत कर पा रहे। बड़ी जरूरत है इस मौजू पे काम करने की। आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, जैसा कि काशिफ नेमत साहब फरमा रहे थे कि अबाउट टू 80% वर्क हैज बीन डन अपॉन दिस वर्न, नो डाउट देयर इज नीड टू मोर एंड मोर। और इस हवाले से सैमुअल प्यारा साहब की एफर्ट्स को हमने हमेशा सलाम पेश किया है, आगे भी करते रहेंगे। अब रह जाता है आगे जाके मामला वजारत दाखिला का, हमारी फेडरल एजेंसीज का, जिन्होंने हेट स्पीच को रिमूव करने के हवाले से अमल दरामद करवाना है तो सीएम तो ऐसी जानी चाहिए व्हेन वी विल फाइल द एनी सॉर्ट ऑफ द सीएम फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन पॉइंट वी टू मेक द पार्टी टू दैट वन द फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री टू द फेडरल एजेंसीज की रिपोर्ट पेश करें कि व्हाट्स एवर द हेट स्पीचेस वर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया वेदर the same has been removed or not, there is need to summon the report from the those all of those agencies. to main ye samajhta hu ki national council jo banayi jaye jis hawale se one man commission ki bhi janab baat karte hain
अब उसमें क्या है राशिद नेमत साहब, उसमें क्या है? उसमें ओनली द पार्लियामेंटेरियन और एनी ऑफ द हेड विल बी द मेंबर ऑफ दैट वन। श्यामल प्यारा साहब, दे विल नेवर गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की जब हम रिफॉर्मिंग कर रहे थे तो एक साहब को वहां पे बुलाया इस्लामाबाद में, एंड दैट पार्लियामेंटेरियन नेवर बॉदर टू अटेंड अवर मीटिंग, नेवर बॉदर टू लिसन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। दोज पार्लियामेंटेरियन विल नेवर never bother to attend those meetings, never bother to go to the Supreme Court, they will never. That's the duty of us. ke is hawale se jo national commission mein wo zaili committees kyun nahi bana di jati? mere piche mukla sahiban baithe hain, sunil sahab, is zaili committees banane ke hawale se national commission mein samul pyara sahab aapse 10 par 10 tak guzarish hai। हमारी कहीं भी जरूरत हो मुझे काशिफ नेमत साहब को हम तो आपके डिस्पोजल पे कहीं भी ले जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक रिलीजियस टास्क फोर्स बनाई जानी थी हमारे चर्चिस को माइनॉरिटीज के अदारों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, तो आई नो वेरी वेल दिस जजमेंट वाज पास्ड इन द मंथ ऑफ जून 2014। But the incident of Jannabad occurred in the March, in the month of March, Dr. Sahib, 2015. अगर इस पे स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती, स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाती तो मेरे वाले साहब वहां शहीद ना होते। एक पुलिसमैन था एट द टाइम राशिद मिन्हास इन द फ्रंट ऑफ आवर चर्च एंड माय फादर was the district officer, he was retired and serving in church as a security coordinator, and if he was over there when the suicide bomber came, my father sustained the firearm injuries as well as the bullets as well as the pellets of the bomb in front of his body। agar is pe amal daramad kar diya jata wahan pe special force banayi gayi hoti तो माय फादर वुड नॉट हैव बीन मार्टर्ड ओवर देयर। तो इस हवाले से बड़ी जरूरत है सर कि हम इस स्पेशल फोर्स को बनाए जाने के लिए क्यों ना हम लॉ मिनिस्ट्री को, क्यों ना हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को फ्रीक बनाकर सिर्फ इस पॉइंट पर एक सीएम डालें कि वेदर एनी सॉर्ट ऑफ द स्पेशल फोर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और नॉट। तो मेरी सारी गुजारिशात आप पूरे हाउस के सामने एक ही रख देता हूं, बाकी तो छोड़ ही देते हैं, कि हम बतौर रिलीजियस, बतौर लीगल फ्रेटर्निटी, बतौर सोशल सेक्टर, बतौर हमारे दीगर जो एनजीओ एक्टिविस्ट हैं, सारे मिलकर काम को बांट लें, काम को बांट के आपस में थोड़ा थोड़ा चलेंगे, सिर्फ सैमुअल प्यारा साहब पे ना छोड़े, सिर्फ फादर जेम्स शैनन साहब पे ना छोड़े। द ड्यूटीज कुड बी डेलीगेटेड टू द डिफरेंट सेक्ट्स सो दैट वी कैन अचीव द फ्रूट्स ऑफ दिस वेल लैंडमार्क जजमेंट। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप सब दोस्त, बिलखसूस हमारे बड़े क्रिएटिव साथी जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं असलीम मैसी साहब, इस पे जरूर हमारे साथ निशिस्त करें। सैमुअल प्यारा साहब हूँ, आप हों, मौलाना साहबान हो, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम बांट के सैमुअल प्यारा साहब कुछ काम दे हमें। वी आर रेडी टू रिप्रेजेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ दिस जजमेंट इज नीड टू बी एक्टेड अपॉन, नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। These seven points are still laying over there. With all these submissions, I am grateful for to all of you. May God bless you more and more. Grateful.